नमस्कार। NIOS के स्टूडियो में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं डॉक्टर ऋषिकेश मिश्रा, सह आचार्य शिक्षा विभाग, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जयपुर। आज हम सामाजिक विज्ञान में अनुभवात्मक अधिगम पर चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से ही बोध हो रहा है कि अनुभवात्मक अधिगम अर्थात ऐसा अधिगम जिसमें अनुभव पर विशेष जोर दिया गया है। अगर हम इस अधिगम पिरामिड को देखें, जिसके अंदर हमने एक तरफ शिक्षण विधियों को रखा है और एक तरफ हमने रखा है कि अधिगम कितना धारण होता है, तो आप ये देखेंगे कि अगर आप व्याख्या करते हैं और उससे जो सीखते हैं वो सिर्फ 5% ही होता है। अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उससे जो अधिगम धारण है वो केवल 10% होता है। अगर हम श्रव्य दृश्य का प्रयोग करते हैं और उसके माध्यम से कोई चीज़ सीखते हैं तो वो धारण भी सिर्फ 20% ही होता है। कोई चीज़ ऐसी है, कोई ऐसा ज्ञान जो हम प्रदर्शन के द्वारा प्राप्त करते हैं तो 30% तक वो ज्ञान जो है हम धारण कर सकते हैं। ठीक वैसे ही विचार विमर्श के द्वारा जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो 50% तक धारण कर सकते हैं। वहीं करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग, अगर हम करके सीखते हैं तो वो ज्ञान जो है 75% जो है हम धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा ज्ञान जो दूसरों को देते हुए प्राप्त करते हैं, जहां पर अनुभव प्राथमिक होता है, ऐसे ज्ञान का अधिगम धारण जो है 90% होता है। यानी इससे एक बात समझ आती है कि जिस ज्ञान में अनुभव प्रमुख है वो ज्ञान ज़्यादा स्थायी होता है और उसका धारण अवधि भी ज़्यादा होती है। अब समझने की बात यह है कि भाई आखिर अनुभवात्मक अधिगम है क्या। मान लीजिए कि मुझे विभिन्न जानवरों के विषय में पढ़ना है और मैं अपनी सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों का अध्ययन करूं और उसके माध्यम से विभिन्न जानवरों के बारे में ज्ञान प्राप्त करूं, क्या वो ज्ञान अधिक लाभदायक होगा या वो ज्ञान कि अगर मैं उसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पास के जू में जाता हूं, वहां पर मैं विभिन्न तरह के जानवरों को देखता हूं, उनके क्रियाकलापों को देखता हूं, उनके बारे में जानता हूं, वो ज्ञान ज़्यादा सबल और स्थायी होगा? क्योंकि जो ज्ञान हमने अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त किया है वह ज्ञान ज़्यादा स्थायी होता है। यह बात जो है कई शोधों के द्वारा प्रतिपुष्ट हो चुकी है। अगर हम देखें कि अनुभवात्मक अधिगम क्या है, तो ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगमकर्ता यानी जो लर्नर है वो सीधे अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान, कौशल और मूल्यों का निर्माण करता है। जैसा कि आप जानते हैं, जो भी शिक्षा के विद्यार्थी हैं आप सभी लोग, कि भाई जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसमें भी 3 चीज़ों पर विशेष बल दिया गया है और जो तीसरा पक्ष है क्रियात्मक, जिसमें कर के सीखने पर जोर दिया जाता है, वो ज़्यादा प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसके द्वारा हमें अनुभव प्राप्त होता है और वो अनुभव हमारे ज्ञान को ज़्यादा चिरस्थायी रखता है। अब बात यह है कि साहब अनुभवात्मक अधिगम जो है उसकी प्रक्रिया क्या है। अगर हम अनुभवात्मक अधिगम की प्रक्रिया को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि भाई अवधारणा क्या है, किस नई अवधारणा के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। और अवधारणा हमेशा वही होनी चाहिए जिसमें विद्यार्थी को फील्ड एक्सपीरियंस यानी कि क्षेत्र कार्य और अवलोकन प्राप्त हो सके। यानी हमें उन्हीं अवधारणाओं को लेना चाहिए जिसके अंदर विद्यार्थी को क्षेत्र कार्य करने का और अवलोकन करने का मौका मिल सके, क्योंकि इसी के द्वारा उसे अनुभव प्राप्त हो सकेगा। क्षेत्र कार्य के लिए योजना का निर्माण करना जिससे विद्यार्थियों को प्रथम अनुभव प्राप्त हो सके, क्योंकि कई विषय कई प्रकरण ऐसे होते हैं जिसके अंदर विद्यार्थियों को उतना मौका नहीं मिल पाता जिसमें वो अपने अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सके। तो ये शिक्षक की जिम्मेदारी है कि जब भी वो किसी भी फील्ड एक्सपीरियंस के लेसन प्लान को बना रहा है
किसी की योजना का निर्माण कर रहा है तो उसमें उसका प्रकार इस तरह का होना चाहिए, उसकी प्रकृति इस तरह की होनी चाहिए कि उसमें विद्यार्थी को अधिक से अधिक प्रथम अनुभव प्राप्त हो सके। जब विद्यार्थी को अनुभव प्राप्त हो जाता है, जब वो फील्ड में जाता है, वहाँ पर वो प्रथम दृष्टिया के रूप में उस ज्ञान को अर्जित करता है, तो शिक्षक का ये जिम्मेदारी है कि वो उसे प्रतिपुष्टि, उसे फीडबैक ज़रूर दे, क्योंकि फीडबैक के द्वारा, प्रतिपुष्टि के द्वारा विद्यार्थी यह समझ सकता है कि जो ज्ञान उसने अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त किया है वो कितना न्याय संगत है, कितना प्रासंगिक है। और जब शिक्षक को ये लगता है कि ये जो ज्ञान है ये प्रासंगिक है और इस विषय के लिए बड़ा उपयोगी है, तो उस ज्ञान को वो अन्य विद्यार्थियों के साथ साझा करता है। और अंततः विद्यार्थी व शिक्षक जो भी अर्जित ज्ञान है उसकी वैधता को ज्ञात करते हैं कि ये जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है वो हमारे इस अनुभव के लिए कितना वैध है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम फील्ड एक्सपीरियंस में जाते हैं, क्षेत्र कार्य में जाते हैं, तो हम ऐसे कई अनुभवों को प्राप्त करते हैं जो हमारे लिए इतने उपयोगी नहीं होते हैं। इसलिए अंतिम पड़ाव के अंदर हमें ये देखना है कि जो ज्ञान हमारे लिए ज़रूरी है उन्हीं को ही हम वैधता प्रदान करें। विद्यार्थियों, यहाँ पर यह समझने की बड़ी आवश्यकता है कि जो अनुभवात्मक अधिगम है उसका चक्र क्या है, क्योंकि जब तक हम इसके चक्र को समझ नहीं सकेंगे हम अनुभवात्मक अधिगम को भी समझ नहीं सकेंगे। तो जब हम इसके चक्र की बात करते हैं, इसकी साइकिल की बात करते हैं, तो जो इसका पहला प्रतिमान है वो है अनुभव करना। यह इस चरण का प्राथमिक अवस्था है। प्राय कोई भी क्रियाकलाप जिसमें स्वमूल्यांकन या अंतर्वैयक्तिक क्रिया शामिल होते हैं उनको अनुभवात्मक अधिगम के भाग की तरह उपयोग कर सकते हैं। यानी हम ऐसे कोई भी क्रियाकलाप जिसमें हमें मौका मिले कि हम अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकें और जो हमारे साथ अन्य बालक या अन्य छात्र शामिल हैं उनका भी मूल्यांकन हो सके, इस तरह के क्रियाकलापों को स्थान देना चाहिए। दूसरा जो इसका चरण का भाग है वो है प्रकाशन। जब बच्चों को यानी विद्यार्थियों को क्रियाकलाप का अनुभव हो जाता है तो इसके बाद अनुभव के दौरान क्या अवलोकन किया, क्या महसूस किया, इस जानकारी को आपस में बांटने या प्रकाशन के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी कई क्रियाकलाप होते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभव होते हैं और ज़रूरी है कि जो विद्यार्थियों को वो अनुभव प्राप्त हो रहे हैं वो अनुभव प्रकाशित हो, क्योंकि अगर वो अनुभव प्रकाशित नहीं होंगे तो उनकी जो धारणा है वो बदल नहीं पाएगी। तो ज़रूरी है कि आप जो भी अनुभव करें, जो भी महसूस करें, जो भी अवलोकन करें, वो सभी के सभी चीज़ों को प्रकाशित करना ज़रूरी है, अति आवश्यक है। अगर हम इसके तीसरे चरण को देखते हैं तो यहाँ पर है प्रक्रिया बनाना। यह चरण इस अधिगम चक्र का केंद्र बिंदु है। यह चरण इस चक्र का समूह गातिक अवस्था है जिसमें समूहों के सदस्यों के द्वारा बांटे गए अनुभवों का व्यवस्थित मूल्यांकन होता है। यानी कि अगर हमने कोई भी क्रियाकलाप संपन्न किया और इसमें विभिन्न विभिन्न विद्यार्थियों के विभिन्न विभिन्न अनुभव प्राप्त हुए तो ज़रूरी है कि हम इन चरण के अंदर उन सभी अनुभवों को व्यवस्थित करके उनका मूल्यांकन करें। अनुभवात्मक अधिगम के चक्र के संदर्भ में जो चौथा चक्र है वो है सामान्यकरण करने का। जो ज्ञान जो प्रक्रिया के माध्यम से हमने व्यवस्थित कर लिया है, उसका मूल्यांकन कर लिया है, अब इस अवस्था में समूह में प्राप्त किए गए अनुभवों में समानता है या नहीं, इस बारे में समूह के सदस्य जागरूक रहते हैं और इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि
किसी भी क्रियाकलाप के प्रति सामान्य विचार होना अति आवश्यक है। यदि मान लीजिए आप कोई क्रियाकलाप कर रहे हैं, ऐसे मैं अगर उदाहरण के द्वारा इसको समझने की कोशिश करूं कि अगर कोई विद्यार्थी जो है दिल्ली आकर कुतुब मीनार का भ्रमण करने जा रहे हैं और सभी सदस्यों ने वहाँ के आसपास की चीज़ों को देखा, तो जो उन्होंने अवलोकन किया उसके बाद जो ज्ञान उन्होंने साझा किया, हमें इस बात पर विशेष ध्यान रखना है कि जो अनुभव हर विद्यार्थी प्रकाशित कर रहा है क्या उसमें समानता है या नहीं है। और क्योंकि वो चीज़ एक है तो उसमें विभिन्नता विषमता होना अति आवश्यक नहीं है। ज़रूरी ये है कि विषमता ना हो, समानता हो। और जब हमें लगता है कि इस क्रियाकलाप के जो ये विचार, ये अवलोकन, ये अनुभव जो सामान्यीकरण होकर हमारे सामने आ गए हैं, अब हम इस अंतिम अवस्था में इनको लागू कर सकते हैं और इसको लागू करने में शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों की सहायता करता है। ये एक चित्र के माध्यम से समझने की आप कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से जो पहला इसके अंदर चरण है, प्रयोगीकरण अधिगम के प्रभावी उपभोग की योजना, हमें पहले योजना बनाना है, उसके बाद अनुभव क्रियाकलाप करने हैं, फिर तीसरा प्रक्रिया विधि पैटर्न और गतिक की चर्चा जो हमें अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, उसके बाद उन अनुभवों को प्रकाशित करना और फिर उनको सामान्यीकरण करके वास्तविक जगत के सिद्धांतों के रूप में विकसित करना, यही अनुभवात्मक अधिगम का चक्र है और इसको समझना अति आवश्यक है। अब हम इस अनुभवात्मक अधिगम को समझने के लिए एक उदाहरण का प्रयोग करते हैं। इस उदाहरण के माध्यम से हम एक नई अवधारणा जो बच्चों को समझाने जा रहे हैं, जिसमें विद्यार्थियों को वास्तविक अनुभव प्राप्त हो सके, उसके लिए हमने एक अवधारणा का चुनाव किया जिसका शीर्षक भी चुनाव है, इलेक्शन। और इसके अंदर जो है हमने विद्यालय स्तर पर छात्र परिषद का चुनाव कराने का निर्णय लिया, वास्तविक रूप में भी कभी लोकसभा के कभी राज्यसभा के चुनाव होते हैं, उसी आधार पर हमने सभी कक्षाओं को निर्वाचन क्षेत्र मान लिया, चाहे कक्षा एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, छः, सात, आठ, नौ, दस, तो ये जितनी भी कक्षाएं हैं वो हमारे इस अवधारणा के अंतर्गत एक निर्वाचन क्षेत्र हैं। सभी कक्षाओं के विद्यार्थी जो हैं चुनाव मैदान में हैं और सभी के पास अपना चुनावी चिन्ह है, प्रतीक है। जैसा आप देखते भी हैं कि विभिन्न पार्टियों के प्रतिभागी जो होते हैं वो चुनाव में शामिल होते हैं और सभी पार्टियों के पास अपना चुनाव चिन्ह होता है जिसके द्वारा वो एक दूसरे में विभेद कर सकते हैं। इस अवधारणा के अंदर हम ये कोशिश करते हैं कि इसमें वो सभी प्रक्रियाएं शामिल हो जो वास्तविक रूप से होती हैं, जैसे कि मतदान दिवस की घोषणा करना कि भाई किन किन दिनों पर मतदान होंगे, किस दिवस को इसका परिणाम होगा, इसके लिए एक निर्वाचन अधिकारी जो कोई शिक्षक होता है उसका भी निर्वाचन किया जाता है, चुनाव परिणामों की घोषणा की जाती है, उसके बाद सभी चुने गए छात्र जो उस चुनाव में शामिल हुए हैं और जीते हैं वो सभी छात्र शपथ लेते हैं और यही छात्र जो है आपस में मिलकर इस परिषद के नेता चुनते हैं तथा एक समिति बनाकर विद्यालय के कार्य देखते हैं। अगर आप वास्तविक रूप में भी इस चीज़ को देखें तो अगर जिस तरह से राज्यसभा लोकसभा के चुनाव होते हैं, विभिन्न प्रतिभागी भाग लेते हैं, चुनाव जीतते हैं, उसके बाद जो पार्टी सबसे अधिक सीट जीतती है वो अपना नेता चुनती है और उसके बाद राज्य का या जो देश का या केंद्र का वो काम जो है वो देखते हैं। अब इस जो अवधारणा है इसमें जो है फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि देना भी बड़ी आवश्यक है जो कि शिक्षक की जिम्मेदारी है।
तो इसके अंदर पूरी कक्षा जो है वो छात्र परिषद के चुनाव की प्रक्रिया की चर्चा करेगी, यानी कि जो पूरी कक्षा है, जिन जिन कक्षाओं के अंदर हम इस नई अवधारणा से बच्चों को रूबरू कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि विद्यार्थी इस प्रक्रिया का अनुभव ले, उसको आत्मसात करें, जिससे कि उनका इस विषय के प्रति ज्ञान जो है वो बढ़ सके और स्थायी रहे। हम इसके लिए इस सारी प्रक्रिया, जो भी प्रक्रिया इसमें शामिल होती है, उसकी चर्चा करते हैं। अब जो अंतिम पड़ाव है कि आखिर इस अवधारणा का प्रमाणीकरण कैसे करें। आपने देखा कि हमने इन सभी चीज़ों में जो भी अवधारणा बनाई उसको हमने वास्तविक रूप में करने का ही प्रयास किया। अब अगर हम उसे कक्षा के अंदर उसको प्रमाणीकृत करना चाहते हैं तो उसके कई तरीके हैं। मान लीजिए कि देश में किसी भी कोने में कोई चुनाव हो रहा है, तो हम ये कार्य कर सकते हैं क्योंकि उस चुनाव से संबंधित विभिन्न लेख, विभिन्न घटनाएं समाचार पत्रों में छपती हैं। चाहे तो हम उन समाचार पत्रों में से उन घटनाओं को काट के उसका एक कोलाज बनाकर कक्षा में प्रदर्शित कर सकते हैं। इससे विद्यार्थियों को ये अनुभव हो सकेगा कि चुनाव के ये चरण होते हैं, ठीक है, और इस चरणों के द्वारा ही किसी भी क्षेत्र, किसी भी स्तर का चुनाव संपादित किया जाता है। और जो दूसरा इसका तरीका है, इसमें यह है कि हम चुनाव से संबंधित कोई टेलीफिल्म दिखाकर बच्चों के अंदर इसके प्रति उत्साह जागृत करें। इससे विद्यार्थी कोई भी टेलीफिल्म देखकर वो अनुभव कर सकेगा कि किस तरह से चुनाव होते हैं, किस तरह से इसमें लोग शामिल होते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया होती है, इसके बाद ये किस तरह से राज्य के एवं केंद्र के कार्यों को प्रभावित करते हैं। विद्यार्थी इस अवधारणा को समझ सकेंगे। और जो तीसरा, और जिसको हम कहें कि सीधे प्रथम अनुभव प्राप्त करना, इसमें इसके अंतर्गत हम ये कर सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में कोई भी स्तर का चुनाव हो रहा हो, चाहे वो ग्राम पंचायत का हो, पंचायत समिति का हो, जिला परिषद का हो, राज्यसभा का हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, इसमें हम सीधे भागीदारी ले सकें। ये वस्तुतः शायद होना मुश्किल है, लेकिन जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, जो आपके ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, या जिला परिषद है, या नगर निगम है, या नगर पालिका है, इन चुनाव के अंदर हम भागीदारी ले सकते हैं। और इनमें हम भागीदारी लेकर हमें इस अवधारणा का प्रथम अनुभव जो है वो प्राप्त हो सकेगा। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि अनुभवात्मक अधिगम जो है वो अनुभवों पर आधारित है। जो चीज़ें हम करके सीखते हैं, जो अपने अनुभव के द्वारा सीखते हैं, वही ज्ञान हमारे लिए स्थायी होता है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम अनुभवात्मक अधिगम के विभिन्न चरणों को समझ सकें, उसके चक्र को समझ सकें। अगर हम उसके चक्र को, उसकी प्रक्रिया को समझ नहीं सकेंगे, तो हम अनुभवात्मक अधिगम को भी समझ नहीं सकेंगे। और सामाजिक विज्ञान के अंदर विशेषतः हम अनुभवात्मक अधिगम पर ही विशेष बल देते हैं। इस तरह हम ये देखते हैं कि अनुभवात्मक अधिगम जो है, जो कि सामाजिक विज्ञान विषय के एक महत्वपूर्ण विधि के रूप में आजकल ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि आज का जो शिक्षा अधिगम प्रक्रिया है उसमें छात्र केंद्रित ना होकर समूह केंद्रित की तरफ हम अग्रसर कर रहे हैं। पहले ये शिक्षक केंद्रित था, फिर ये छात्र केंद्रित हुआ, आज हमारा बल जो है वो समूह केंद्रित पे है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हर एक विद्यार्थी वो हर एक प्रक्रिया के अंदर शामिल हो, उसमें अपने अनुभव प्राप्त कर सके और उस अनुभवों का प्रकाशन कर सके। और हमें कोशिश करनी चाहिए एक शिक्षक होने के नाते कि हम किसी भी क्रियाकलाप से संबंधित
ज्ञान को सामान्यीकरण कर सकें और फिर उसे लागू करें। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारा विद्यार्थी है वो पहले इस अवधारणा को समझ सके कि अनुभवात्मक अधिगम है क्या, इसके क्या चरण हैं, इसकी क्या प्रक्रिया है। और जब विद्यार्थी इस चीज़ को समझ सकेगा तो वो अनुभवात्मक अधिगम को समझ सकेगा और उसका प्रयोग जो है वो अधिक से अधिक कर सकेगा अपने ज्ञानार्जन में। और जब वो ज्ञानार्जन में इसका प्रयोग करेगा तो वो उसका लाभ उसे अवश्य मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विचार चर्चा को यहीं पर समाप्त करता हूं। और NIOS के इस DL प्रोग्राम में उम्मीद है कि हम आपस फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई चर्चा के साथ। धन्यवाद।